जोधपुर हाई स्कूल में, जो कि जिले का सबसे टॉप स्कूल ऐसा में हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जिले के 10वीं के रिजल्ट की हालत खराब है। यहाँ पर न शिक्षक ढंग से आते हैं, न टाइम पर शिक्षक आते हैं, न टाइम पर प्रिंसिपल आते हैं। स्कूल में छत टपक रही है, बच्चों के लिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मैदान कीचड़ है, बच्चों के बार बार शिकायत करने पर बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, घर जाके बताना नहीं। आज जब पालकों की शिकायत पर मुझे भी बुलाया गया, यहाँ देखा तो ये सारी अव्यवस्थाएं देखी गई, फिर BO साहब को बुलाया गया, उन्होंने आकर सारी चीज़ें देखी और अपना पंचनामा बनाकर ले गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो मैडम है, विद्यालय में कुछ शैक्षणिक अव्यवस्थाओं के संबंध में पालकों की शिकायतें थी और यहाँ पर आकर उसका निराकरण कर दिया गया है और जो व्यवस्था है बाकी जो रिसाव विसाव हो रहा है जिसका छत वगैरह का, उसके बारे में भी शिकायत जो है वरिष्ठ कार्यालय को बाकायदा अवगत करा दिया गया है, करा दिया जाएगा इस संबंध में, और जो शिकायत थी उनका निराकरण कर दिया गया है ऑलमोस्ट। पालक बार बार शिकायत कर रहे थे यहाँ पर आकर घर पे आकर कि एक संस्कृत का टीचर नहीं आ पा रहा है यहाँ पर और एक इंग्लिश का भी नहीं आ पा रहा है और यहाँ पर पानी भी उनको साफ सुथरा नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए क्या है कि हमको सबको यहाँ पर सभी पेरेंट्स लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर और एक तरह से बुहारी करी हमने यहाँ पर आकर कि भाई क्या है मैडम, तो मैडम और वो हम पर झाल झपट कर रही थी कि आप क्या कर लो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।